2014 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन लखीमपुर लोकसभा से मैंने स्टैंड किया है और हमारा मकसद है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ने मेरा ऑनरेबल रिगार्ड्स जो लोग पर्सन है और जो लोग जनरल पब्लिक है हम लोग का डेवलपमेंट हो, तो इसीलिए हमने इस बार स्टैंड किया है 14 नंबर लखीमपुर लोकसभा से। ये एजुकेशन के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग लखीमपुर में, क्योंकि इधर कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है, इसीलिए इधर का जो लोग लड़का है जो स्टूडेंट्स है ये लोग बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, इसीलिए हम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और जो लोग रोड है, रोड कम्युनिकेशन है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये तो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, इसीलिए ये पहला हमारा ये काम होगा कि मेरा कंस्टिट्यूएंसी में जो रोड का प्रॉब्लम्स है, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम्स है तो इसका सोर्स कैसा किया जाए, इसके लिए हम पूरा दिल से और जोश से हम पार्लियामेंट में ये दावी हम ये डिमांड हम रखेंगे। ठीक है हम लोग का 45% लखीमपुर में वोमेंस है, तो इन लोग का सही तरह से अगर बढ़ाना है एजुकेशन में, अगर कोई टेक्नोलॉजी में, तो इनके लिए स्कीम रखना पड़ेगा, तो ये विदाउट स्कीम हम लोग का वोमेंस लोग डेवलप होने नहीं सकेगा, तो ये हम खुशी है कि हम लोग अगर हम विनर हो जाएंगे तो वोमेंस के लिए भी हम प्लानिंग करेंगे। देखिए हम लोग लखीमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी भारत का पिछड़ा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हम लोग करोड़ रुपया हम डिमांड करेगा। अगर लखीमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर भारत का बचाना है तो इसमें 1000 करोड़ रुपया हर साल पैकेज देना पड़ेगा। हम 88 से ऑर्गेनाइजेशन में है, छोटा से है, क्लास 8-7 से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। अभी जो ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन है उसमें हम 18 साल एक्टिव मेंबर्स है, उसका बारे में अदर ऑर्गेनाइजेशन आसाम का हर ऑर्गेनाइजेशन में मेरा पार्टिसिपेट है।